हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा सेट का पोर्शन चल रहा है। कल हमने कुछ फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए थे, आज उनका एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, कहता है इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ऑफ दी 12 टीच मैथमेटिक्स, फोर टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले आपको बताने हैं कितने होंगे भाई। अब देखिए, आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा यूनियन। यूनियन का मतलब बोथ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूले आपने पढ़े एन एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स, एन ऑफ वाई, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, और एक्स ओनली, वाई ओनली और जेड ओनली। अब इसमें क्या कहता है कि एक स्कूल के अंदर 20 टीचर्स हैं, टोटल टीचर 20 है जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैं क्या लिख करके चला गया, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द टीचर्स टीच मैथ एंड फिजिक्स। इसके बाद यहां पे इसका मतलब एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू बेटा कितनी है, 20। इसके बाद कहता है इसमें 12 टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपने एक्स माना, एन ऑफ एक्स बेटा कितना है 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई बेटा कितना है 4। कहता है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एन ऑफ वाई बताना है क्या होगा, एन ऑफ वाई का नंबर ऑफ द टीचर हु टीच फिजिक्स। इसके लिए बेटा आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, बेटा एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एक्स प्लस बेटा एन ऑफ वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई बेटा कितना है 20, एन ऑफ एक्स कितना है बेटा 12, एन ऑफ वाई हमें निकालना है और एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है बेटा आपके पास 4। अब ये आपके पास 4 है, अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं बेटा। देखिए 12 माइनस का 4 बेटा कितना बचेगा 8, तो ये कितना बच गया बेटा 20 इज इक्वल टू 8 प्लस एन ऑफ वाई। इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आओ बेटा, तो एन ऑफ वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 12। इसका मतलब 12 क्या हो गया, 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, 12 ऐसे टीचर है जो क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इस तरह बेटा इनका अप्लीकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है इन ए क्लास ऑफ 60 बॉय, इन क्लास में 60 बॉयज हैं, दे आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, 45 ऐसे हैं जो कार्ड्स खेलते हैं, एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम, 30 ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। ऑल्सो इच बॉय लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन गेम, हर बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। अब आपको जो निकालना है हाउ मैनी प्ले बोथ गेम, जो दोनों गेम खेले, दोनों गेम का इंटरसेक्शन होता है। हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली जो केवल कार्ड खेले, हाउ मैनी कैरम्स ओनली जो केवल कैरम खेले, ये हमें डिस्कस करना है। तो कैसे डिस्कस करेंगे बेटा, देखिए इसका आंसर हम वही रिजल्ट बेटा हम क्या लेट करके चलते हैं बेटा, लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द बॉयज, रिप्रेजेंट द बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड कैरम, जो क्या खेलते हैं बेटा, कार्ड्स खेलते हैं और उसके साथ कैरम खेलते हैं। तो यहाँ पे एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू बेटा कितनी है 60 है, 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, एन ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 45 है, एन ऑफ वाई की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास 30 है। आप क्या कहता है हाउ मैनी प्ले बोथ गेम, जो दोनों गेम खेले, मतलब पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन का मतलब हाउ मैनी प्ले बोथ गेम, जो दोनों गेम खेले, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, ये दोनों में जो हो, इसका मतलब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा हम एन एक्स यूनियन वाई का, एन एक्स यूनियन वाई फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास 60, एन ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 45, एन ऑफ वाई की वैल्यू बेटा कितनी है 30 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हो गया बेटा 75 इक्वल टू के इस साइड लेके आइए, क्या गया 60 माइनस 75 माइनस एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस का 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू बेटा कितनी होगी 15, 15 बोथ गेम, ऐसे हैं बॉय जो दोनों के दोनों गेम खेलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों गेम खेलते हैं। अब क्या कहता है बेटा इसमें देखिए, दूसरे में कहता है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली एंड हाउ मैनी प्ले कैरम्स ओनली, ये तो मैंने बोथ निकाल दिया, पहला पार्ट निकाल दिया। सेकेंड में कहता है हाउ मैनी प्ले
कार्ड्स ओनली, सिर्फ जो कार्ड है, जहां पे भी ओनली का जिक्र हो क्या करना है, दो आपके पास, एक कार्ड खेलने वाले एक कैरम खेलने वाले, जो केवल कार्ड्स खेले, केवल कार्ड का उसमें से कैरम को रिड्यूस कर दो, जो केवल कैरम खेले तो उसमें से कार्ड्स को रिड्यूस कर दो। तो यह कहता है हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, जो केवल कार्ड खेले, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एन एक्स माइनस वाई, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता था कार्ड्स, वाई किसको रिप्रेजेंट करता था कैरम। तो क्या कहता है हाउ मेनी प्ले कार्ड्स होंगे, जो केवल कार्ड खेले वह कार्ड में से कैरम वाले को रिड्यूस कर दो, तो एन एक्स माइनस वाई निकालना है। ये निकालने के लिए कल जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको पता होना चाहिए बेटा, एन ऑफ एक्स का फॉर्मूला था एन एक्स माइनस वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा आपको पता है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू है 45, ये हमें निकालना है बेटा। और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आप निकाल चुके, कितनी है बेटा आपके पास 15, इस 15 को इक्वल टू पे इस साइड लेके आइए, तो एन एक्स माइनस वाई बेटा कितना हो गया 30। बॉयज प्ले, बॉयज प्ले कार्ड्स ओनली, ये ऐसे हो गए जो केवल क्या खेलते हैं बेटा, कार्ड्स खेलते हैं। तीसरे में क्या कहता है हाउ मैनी प्ले, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, जो केवल बेटा कैरम खेले, इसका मतलब क्या निकालना, जो केवल कैरम खेले, अब एक एक्स था एक वाई था, एक्स वो है जो कार्ड्स खेलते हैं, वाई जो है जो कैरम खेलता है, केवल कैरम खेले तो कैरम में से कार्ड को बेटा हटा दो, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एन वाई माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एन ऑफ वाई का फॉर्मूला था एन ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन ऑफ वाई की वैल्यू बेटा आपको पता है कितना है आपके पास बेटा 30 है, एन ऑफ वाई माइनस एक्स है ये बेटा 15 है, 15 को इधर लेके आओ बेटा, एन ऑफ वाई माइनस एक्स कितना हो गया 15। वॉइस प्ले, वॉइस प्ले कैरम ओनली, तो ये ऐसे हो गए जो केवल क्या खेलते हैं बेटा, कैरम खेलते हैं। तो ये मैं उनको अप्लीकेशन करवा रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस करा, इस पे बेसिक दो क्वेश्चंस आप डिस्कस करना, और जो अप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।